साथियों, ये स्मारक इस बात का भी प्रतीक है कि संकल्प लेकर उसे सिद्ध कैसे किया जाता है। ऐसा ही एक संकल्प मैंने आपके सामने किया था, वन रैंक वन पेंशन को लेकर के। पहले की सरकारों के समय आपको कितना संघर्ष करना पड़ा, कितना आंदोलन करने पड़े, इसका देश साक्षी रहा है। अब देश और आप सभी इस बात के भी साक्षी हैं कि वन रैंक वन पेंशन न सिर्फ लागू हो चुका है, बल्कि अब तक 35,000 करोड़ रुपए हमारी सरकार द्वारा वितरित किए जा चुके हैं। सरकार का पेंशन बजट जो पहले 44,000 करोड़ रुपए था, अब वो बढ़कर के 1,12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुका है। सोचिए, एक वो भी सरकार थी जो कहती थी कि सिर्फ 500 करोड़ रुपए में वन रैंक वन पेंशन लागू हो जाएगा। साथियों, ओआरओपी को लागू होने से आप सभी की पेंशन में 40% की बढ़ोतरी हुई है। इतना ही नहीं, मौजूदा सैनिकों की सैलरी में भी 2014 की तुलना में करीब 55% की वृद्धि हुई है। इसके अलावा आप सभी पूर्व सैनिकों से जुड़ी दूसरी सुविधाओं को भी सरकार द्वारा ध्यान रखा जा रहा है। आपको पेंशन से जुड़ी शिकायतों के लिए दफ्तरों के चक्कर न काटना पड़े, इसके लिए एक ऑनलाइन सिस्टम बनाने पर काम चल रहा है। इसी प्रकार हमारी सरकार ने ये प्रावधान किया है कि जो सैनिक लाइन ऑफ कंट्रोल या अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दुश्मनों से लोहा लेने के लिए तैनात रहते हैं, उनको अगर हादसे से बाढ़ या तूफान या भूस्खलन जैसी अनेक प्राकृतिक आपदाओं में अगर चोट लगती है या शहादत मिलती है, तो वह सैनिक या उनका परिवार भी पेंशन का हकदार होगा।